बिहार में नीतीश सरकार की बहुत बड़ी फजीहत हुई है। बिहार के कानून मंत्री के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है। अपहरण केस में कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। कल कार्तिकेय सिंह ने कानून मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार के कानून मंत्री ने कानून की ही धज्जियां उड़ा दी हैं। सरेंडर की बजाय कल मंत्री पद की शपथ ले ली। 2014 में अपहरण के केस में वॉन्टेड है कार्तिकेय सिंह, और देखिए जिन पर आरोप है वो कानून मंत्री की शपथ लेते हैं। इन सबके बाद बहुत सारे सवाल इस वक्त सरकार पर भी उठ रहे हैं, और कैसे अब सरकार की फजीहत हुई है ये समझना होगा। रिपोर्ट इस वक्त आपको दिखाते हैं। बिहार की नई कैबिनेट दागियों वाली, भगोड़े को नीतीश ने बनाया कानून मंत्री। नीतीश के वांटेड मंत्री पर सियासी संग्राम। नीतीश ने बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन की नई सरकार बनाई तो मंत्रियों के शपथ ग्रहण के वक्त से ही नई कैबिनेट पर सवालों के तीर उठने शुरू हो गए। ताजा विवाद कानून मंत्री को लेकर छिड़ गया है। ये हैं नई कैबिनेट में बने कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह। दरअसल बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह 2014 के एक किडनैपिंग केस की न सिर्फ जद में है बल्कि उनके खिलाफ कोर्ट ने 14 जुलाई 2022 को ही वारंट भी जारी किया है। यानी कानून की ही नजरों में वांछित शख्स को राज्य का कानून मंत्री बना दिया गया। और एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। इस वक्त मेरे दो सहयोगी हितेन और मीनाक्षी लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन, आपके पास मैं आ रही हूं। देखिए, सवाल ये है कि जब सरकार की बुरी तरीके से फजीहत हुई, आप सोचिए कानून मंत्री पद की शपथ लेते हैं और इतने सारे आरोप ऐसे मंत्री पर लग रहे हैं, अब ऐसे में लालू यादव का पटना पहुंच जाना, क्या आगे राजनीतिक बदलाव यहां पर होता हुआ नजर आएगा? कैसे बीच का रास्ता पार्टी निकालेगी? देखिए ये जो डैमेज हुआ है बीते 48 घंटों में या 24 घंटों में, जितना भी इस महागठबंधन की सरकार को डैमेज हुआ है, उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं लालू यादव जो है वो बिहार जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, टर्मिनल 2 से 4:45 बजे की उनकी फ्लाइट है। लेकिन सबसे पहले जाते ही, पटना जाते ही वो नीतीश कुमार से सबसे पहले मुलाकात करने, उसके बाद तेजस्वी और अपने मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। क्योंकि देखिए लालू ये भली भांति जानते हैं कि अभी सिर्फ दो मंत्रियों पर आरोप लगा है, अगर धीरे धीरे सभी मंत्रियों पर या सरकार पर इसी तरीके का आरोप लगता रहा तो नीतीश कुमार पलटी मारने में फिर एक बार देरी नहीं करेंगे। ये लालू जानते हैं क्योंकि पिछली सरकार, पिछली महागठबंधन में भी यही देखने मिला था कि नीतीश को जैसे ही लगा के अब इमेज पे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे तो उन्होंने, नीतीश कुमार ने तुरंत पलटी मारते हुए 24 घंटे के भीतर एनडीए के साथ अपनी सरकार जो है वो बना ली थी। तो इस बार वो तस्वीर ना देखने मिले, इसीलिए कहीं ना कहीं लालू खुद अब मैदान में उतर रहे और नीतीश को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा कि जिस तरीके से वो सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने के पहले ही जो मुद्दा उठाया गया था कि नीतीश कुमार विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पे जो है वो 2024 में आगे आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनको बड़ा चेहरा जो है विपक्ष का बनाया जाएगा, ठीक उसी स्ट्रेटेजी पर अब लालू भी जो है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर इसी रणनीति पर जो है नीतीश को आगे करते नजर आएंगे। और ताकि देखिए इस महागठबंधन में फिर एक बार किसी प्रकार की टूट ना देखने मिले, क्योंकि ये तो तय था, गठबंधन जब भी हुआ तो ये तय था कि अगर नीतीश चेहरा बनते हैं विपक्ष का तो फिर 23 के बाद तेजस्वी यादव जो वो महागठबंधन की सत्ता चलाते नजर। पूरी तैयारी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की है, अगर हो भी तो भी, लेकिन अगर वो अपनी सरकार को ही नहीं सही से चला पाएंगे तो फिर कैसे वो ये उम्मीद करेंगे कि 2024 में उन्हें जनादेश मिल जाएगा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? उन्हें अपनी सरकार में काम तो करना पड़ेगा ना, और जो फजीहत इस वक्त सरकार की हो रही है उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए अब अपना बचाव कैसे करते हैं नीतीश कुमार ये यहाँ पर देखना होगा। हालांकि देखिए वो पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ रहे हैं कहकर कि उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है, लेकिन अगर आरजेडी पर सवाल उठेगा, आरजेडी के किसी विधायक या उससे जुड़े किसी मंत्री पर सवाल उठेगा, उनको घेरने की कोशिश होगी तो सवाल पूरे सरकार पर उठेगा लवीना यहाँ पर, और ऐसे में इससे कैसे बचेंगे? और इसके बाद जो अगला सपना, अगला ख्वाब देख रखा है उन्होंने 2024 का, केंद्र की तरफ जो अपना रास्ता बनाने की तैयारी में अब वो है, वहां तक वो कैसे पहुंचेंगे? देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि वहां तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन ढाई साल बचा है जो कार्यकाल यहां पर मंत्री पर और मंत्रालय, देखिए कानून मंत्री जिन पर इतने सारे आरोप लगे, सीधे सरकार की फजीहत हुई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।
इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, अपने ऊपर लगे आरोपों पर कार्तिकेय सिंह ने सफाई भी दे दी है। मैंने सारी जानकारी चुनाव आयोग को दी है, कार्तिकेय सिंह ने कहा। चुनावी हलफनामे में सारी जानकारी दे रखी है कार्तिकेय सिंह ने। अपने ऊपर जो आरोप लगे उसको लेकर सफाई दी है और ये कहा कि मैंने सारी की सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे रखी है। उसके बाद यानी कि अब सीधा आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर है क्या? चुनावी हलफनामे में सारी जानकारी दे रखी है, कुछ भी छुपाया गया नहीं है, ये कार्तिकेय सिंह की ओर से कहा गया। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे सवाल कार्तिकेय सिंह पर और नई सरकार जो बिहार में बनी है उन पर लग रहे हैं। कैसे इन आरोपों से आगे बढ़ेगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके बीच सफाई कार्तिकेय सिंह की। हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। क्योंकि हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। ब्रेकिंग, ऐसे थोड़ा साफ तो देखिए बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर बिहार से ही जुड़ी हुई जो सामने आ रही है वो आपको बता दूं। बिहार के कानून मंत्री फरार हैं, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। कानून मंत्री पद की गरिमा तार तार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रिएक्शन इस पर दिया गया है। बिहार में जंगल राज आ चुका है, ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा। बिहार में लोगों के साथ धोखा हुआ, बीजेपी कह रही है बिहार में डरावने दिनों की वापसी हो चुकी है। इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जब बिहार की नई सरकार पर संकट के बादल अगर इसको कहें फजीहत सरकार की हो रही है, तो आप सोचिए कैसे बीजेपी ने भी मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा और ये कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है, जंगल राज वापस आ चुका है, बिहार में लोगों के साथ धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का भी जिक्र किया, बिहार में डरावने दिनों की वापसी हो चुकी है। क्योंकि अगर कानून मंत्री पर इतने सारे सवाल हैं तो फिर आप सोचिए कैसे सरकार इस संकट से बाहर निकलेगी। साझा सरकार में जो कानून मंत्री बने हैं उन्होंने कानून के साथ और कोर्ट की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है और मैं उसका प्रमाण देने जा रहा हूं। ये देखिए 16-2-2017 का पटना हाईकोर्ट का आदेश है, 16-2-2017, जिसमें ऊपर देखिए केस नंबर 859 लिखा हुआ है, थाना बेटा भी लिखा हुआ है, जिसमें क्या कहा हाईकोर्ट ने, मैं दो तीन लाइन पढ़ना चाहता हूं। लर्नेड एपीपी हैज सबमिटेड दैट ऑन रिकवरी ऑफ विक्टिम राजीव रंजन ही हैज गिवन ए स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी डिस्क्राइबिंग इन डिटेल द मैनर इन विच ही वाज किडनैप्ड एंड हैज फुल्ली डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द पिटिशनर। पिटिशनर कौन है? कार्तिकेय सिंह। मतलब कार्तिकेय सिंह ने इस अपहरण में क्या भूमिका निभाई, ये विक्टिम ने 164 यानी मजिस्ट्रेट के सामने इस बात को स्पष्ट किया। तो ये है आज से 5 साल पहले का आदेश। उनको सरेंडर करना चाहिए था क्योंकि कोर्ट ने लास्ट में क्या कहा, सुनिए आप। द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट बिलो एंड मेक ए प्रेयर फॉर रेगुलर बेल। मतलब आप सरेंडर करिए, जेल के अंदर जाइए, गंभीर आरोप है और आप बेल के लिए प्रेयर करिए। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। भाजपा का साथ छोड़ने में तो आप बड़ी जल्दी हिम्मत दिखा देते हैं बिना बताए। और एकाएक ये क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो अब सत्ता में रहने के लिए अब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। आज बहुत पीड़ादायक है, मैं भर्त्सना करता हूं और मैं अपेक्षा करूंगा कि कार्तिकेय सिंह को तुरंत सैक किया जाए। और उन्होंने गलत बयानी किया, सरेंडर नहीं किया, उनके खिलाफ बाकी कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं रिपीट करूंगा, हमारी अपेक्षा होगी कि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस बात की जरूर जांच कराए कि उनके स्पष्ट आदेश के बाद एक दानापुर का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इतनी हिम्मत कैसे दिखाया कि उसने उनको कर दिया एंटीसिपेटेबल में नो कोर्सिंग एक्शन।
और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे लालू यादव ने कहा मोदी तानाशाह है।